जबलपुर में लगातार हो रहे हादसों को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार संदे ने उन ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया जहां पर लगातार हो रहे हादसों में लोग अपनी जाने गंवा रहे हैं। इस मौके पर NHI, RTO और जबलपुर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस निरीक्षण के दौरान तिलवारा, मारोताल, आधारताल और गोसलपुर क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए सामूहिक निरीक्षण करते हुए लगातार होने वाले हादसों को रोकने को लेकर विचार विमर्श किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संदे का कहना है कि उनके द्वारा NHI की टीम को बताया गया कि वे ब्लैक स्पॉट जहां पर दुर्घटना ज्यादा हो रही है वहां पर ऐसे संकेत चिन्ह लगाए जाएंगे जिससे वाहन चालकों को यह पता चल जाए कि आगे मार्ग पर सावधानी बरतनी है। वहीं बाईपास में अंडरब्रिज और लेफ्ट टर्न में खड़े वाहनों पर कार्रवाई की गई। साथ ही कई वाहन चालकों को समझाइश देकर भी छोड़ा गया है। गौरतलब है कि शहर में ब्लैक स्पॉटों के चलते आए दिन लोग अपनी जाने गंवा रहे हैं। इसको लेकर लोगों द्वारा इन दुर्घटनाओं को रोकने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद अब यातायात विभाग ने इन लगातार हो रही दुर्घटनाओं वाले क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए ब्लैक स्पॉट से लोगों की जान बचाने की कवायद शुरू कर दी है। कितनी जगह चिन्हित किया आपने, कमियां पाई? एक्चुअली आज NHI की टीम के साथ में और RTO और पुलिस विभाग की टीम के साथ में हमने NHI पे जो ब्लैक स्पॉट्स है उसमें सभी ब्लैक स्पॉट्स का हमने निरीक्षण किया है कि उसमें किस प्रकार की कमियां हैं जिनके कारण एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और क्या क्या कमियां हैं और उनको कौन कंप्लीट करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया, जिसमें हमने तिलवारा, मारोताल, आधारताल, गोसलपुर थाने के अंतर्गत NHAI पे जो ब्लैक स्पॉट्स है उनका विजिट किया है और विजिट के दौरान हमारे RTO अधिकारी और ट्रैफिक के ऑफिसर्स थे और NHAI की भी पूरी टीम थी और सब ने मिलकर के एक सामूहिक हमने विजिट किया है और मौके पे जाकर के देखा कि इसमें और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या किस प्रकार से इसमें रोड में साइन बोर्ड लगाए जा सकते हैं या स्पीड ब्रेकर लगाए जा सकते हैं या क्या रोड साइंस होना चाहिए या जेब्रा क्रॉसिंग होना चाहिए या ब्लिंकर्स लगना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक हमने सामूहिक विजिट किया है और उसमें NHAI की टीम जो मौजूद थी उनको बताया गया है कि ये जो सभी हमारे बाईपास पे, नेशनल हाईवे पे जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स है उस पर इन सब चीज़ों को लगाया जाए ताकि लोगों को दूर से ही जानकारी मिल सके कि आगे ब्लैक स्पॉट जो है दुर्घटना संभावित क्षेत्र है और वो सजग हो जाए ताकि वहाँ से गुजरते समय किसी प्रकार का एक्सीडेंट न हो और लोगों के जान माल की रक्षा हो सके। बड़ी गाड़ियों पर इसमें जो हमारे बाईपास है नेशनल हाईवे पे, जिसमें कटंगी बाईपास, पाटन बाईपास, इसमें जो अंडर ब्रिज बने हुए हैं और जो लेफ्ट टर्न बने हुए हैं इसमें कुछ वाहन लोग अनावश्यक रूप से खड़े कर देते हैं, खास करके जो हमारे ब्रिज है बने हुए फोर लेन पे, बाईपास पे, उसके भी नीचे लेफ्ट टर्न पे लोग अपने वाहन खड़े कर देते हैं। उन पर आज कुछ कार्रवाइयाँ भी की गई है, कुछ लोगों को हमने सचेत भी किया है, चेतावनी भी दी है, समझाइश भी दिया है कि ये जो लेफ्ट टर्न है उसको खाली रखा जाए और वो जितने भी हमारे बाईपास पे वोर ब्रिज है जहाँ से शहर के एंट्रेंस और एग्जिट मार्ग है मुख्य रूप से, उन पर हमने और यातायात को बेहतर बनाने के लिए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्थाएँ की जा सकती, इन सब बातों का निरीक्षण किया है और संबंधित विभाग को अवगत कराया है। वो लगभग सप्ताह से 10 दिन में ये सब कंप्लीट हो जाएगा और लोगों को बेहतर सुविधा दे पाएंगे।